हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम करेंगे स्पाइन सेटअप करेंगे कि स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं, कैसे स्पाइन को स्पलाइन आई के हैंडल टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम आई के हैंडल टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरा एक स्पाइन स्पलाइन आई के हैंडल होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर हम सिंपल डायरेक्ट आई के का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अगर हम स्पलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसमें वर्टेक्स वगैरह मिल जाते हैं, वर्टेक्स से हम क्लस्टर वगैरह बना लेते हैं, जिस वजह से क्लस्टर को मूवमेंट करने से हमें हमारी जो स्पाइन होती है, जो जॉइंट की जो चेन होती है, वो उसके हिसाब से क्लस्टर के अकॉर्डिंग हमारी जो चेन है वो मूव करती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे शुरुआत करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है। तो हम लेंगे सबसे पहले जॉइंट टूल लिया हमने, तो उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया और इसकी जो पोजीशन है वो मैंने ज़ीरो कर दी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़ीरो ही करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास अभी कोई मैश नहीं है, तो विदाउट मैश मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, ताकि हम बोन्स के सेटअप को समझ सकें। जब हमें ये आ जाएगा सेटअप करना स्पाइनल का, आर्म का, लेग का, तो फिर हम डायरेक्ट रिगिंग जब अपने कैरेक्टर में बोन्स वगैरह ऐड करेंगे तो सेम जो ये मेथडोलॉजी है वो अप्लाई करेंगे अपने बोन चेन के ऊपर। तो इसको मैंने ज़ीरो पे अप्लाई कर दिया, रेडियस मैंने वन कर दिया और थोड़ा सा इसको हम कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको यहाँ पर मैं तीन वैल्यूज पे मूव कर देता हूँ और शिफ्ट टी से मूव करते हैं, तीन चार पाँच, पाँच जॉइंट्स देंगे। तो ये वाला जो जॉइंट है ये यहाँ से पेरेंट हो जाएगा, ये वाला पेरेंट हो जाएगा, चाइल्ड पेरेंट। और ये वाला जो जॉइंट है ये रूट जॉइंट है, यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, इसके साथ हम आई के लाइन नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं विंडोज़ में और आउटलाइन पैनल ओपन किया, यहाँ पे इसका नाम दे दो आप, लेफ्ट रूट जॉइंट, तो ये स्किन जॉइंट होगा तो इसलिए मैंने एसजे लिखा है, स्पाइन जॉइंट 01 एसजे, कंट्रोल सी। कंट्रोल वी। और यहाँ पर एंड, तो इसको लिखेंगे हम एंड, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो जॉइंट है उसमें स्किनिंग ऐड नहीं करनी। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसके जो एक्सेस हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होती चीज़ वो चेक करना, सिलेक्ट हेयर की, LRS, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके, जॉइंट ओरिएंट, वाई प्लस, अच्छा वो अप्लाई नहीं हुआ था, सिलेक्ट हेयर की, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, अप्लाई, जॉइंट ओरिएंट, अप्लाई, इसको कर दो ओरिएंट, सिलेक्ट हेयर की, LRA ऑफ किए और आई के स्पलाइन हैंडल चेन यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन मैंने शेल्फ पे ऐड किया हुआ है, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है आई के स्पलाइन हैंडल टूल, ये आपको मिलेगा जब आप एनिमेशन टैब में जाओगे, तो वहाँ पर आपको रिगिंग टैब में जब आओगे तो स्केलेटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगी ऑप्शन ये वाली, क्रिएट आई के स्पलाइन हैंडल टूल। तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होती हैं उसकी वो होती है रूट ऑन कर्व, ऑटो पेरेंट। तो हम क्या करेंगे, ऑटो पेरेंट को अनटिक कर देंगे और जो नंबर ऑफ स्पैन्स है वो मैं 2 रखूँगा यहाँ पर, और आपने रूट जॉइंट को छोड़ देना और ये मेरा जो स्पाइन जॉइंट का पहला जॉइंट है वहाँ पर क्लिक करूँगा और ये जो आखिरी चेन है
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो इसका नाम देंगे हम स्पाइन, स्पाइन स्प्लाइन आई के हैंडल। तो ये नाम मैंने दिया। अब हम कंट्रोलर भी ऐड करेंगे, तो ये वाला जो कर्व है इसका नाम देंगे हम स्पाइन कर्व, स्पाइन कर्व। आप इसको चाहे हाइड कर दो, अब इसकी अभी सॉरी हाइड नहीं करना है इसको। तो स्पाइन कर्व लिया, तो यहाँ पर आते हैं सरफेस में, पहले तो रूट कंट्रोलर बनाते हैं। तो रूट कंट्रोलर बनाने के लिए स्पेशल यारो कॉग, ये ले लिया कॉग। इसको हम स्केल करेंगे, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हम स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको बड़ा कर लो क्योंकि रूट कंट्रोलर है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा हटकर होना चाहिए। इसका नाम दे देंगे रूट, रूट कंट्रोलर। रूट कंट्रोलर ग्रुप, और ये जो ग्रुप है मेरा रूट कंट्रोलर को हम इस जॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर रूट जॉइंट को सिलेक्ट किया, ग्रुप को सिलेक्ट किया, स्नैप किया और फिर इसको दोबारा से स्नैप किया। ओहो इसके एक्सेस देखते हैं पहले, क्या एलआरएस क्या है इसके। अच्छा, और जॉइंट के एलआरएस देखते हैं एक बार। ठीक है, अलग अलग जॉइंट हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एलआरएस का ऑफ कर देना है और ये जो हमारा जॉइंट है इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, स्नैप किया और इसको सेलेक्ट करके, फिर इसको सेलेक्ट करके स्नैप किया। और ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सेव कर देंगे। और इस रूट कंट्रोलर को अपना जो रूट जॉइंट है उसके साथ हम पेरेंट कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे, कंस्ट्रेंट पेरेंट ऐड, पेरेंट कंस्ट्रेंट ऐड हो गया और अब ये इसके साथ मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब स्पाइन कर्व में आते हैं। स्पाइन कर्व जो कंट्रोल वर्टेक्स है, ये वाला जो F8 प्रेस करेंगे, कंपोनेंट मोड में जाएंगे और यहाँ से क्लस्टर को ऐड कर लेंगे। क्लस्टर के लिए मैंने अपनी सर्च में बटन ऐड किया हुआ है, तो अगर आपको क्लस्टर देखना तो डिफॉर्म में जाएंगे, डिफॉर्म में क्लस्टर की ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप शेल्फ में ऐड कर लेना। तो क्लस्टर को क्लिक किया, एक बार आपने रीसेट करना है, क्रिएट किया तो ये क्लस्टर बन गया। दोबारा से मैंने कर्व को सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल वर्टेक्स, मैंने ये दो वाले वर्टेक्स थे, आप सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, जी प्रेस कर देंगे, पिछली कमांड रिपीट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से कंट्रोल वर्टेक्स किया और इसको फिर जी प्रेस किया, तो ये मेरे तीन क्लस्टर मैंने बना लेने। तो यहाँ पर अब कंपोनेंट मोड से बाहर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और ये वाला जो क्लस्टर हैंडल है इसको नाम देते हैं स्पाइन, स्पाइन 01 क्लस्टर, क्लस्टर हैंडल। ठीक है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब हम कंट्रोलर ऐड करेंगे स्पाइन स्पाइनल कोड के लिए। तो ये मेरा कंट्रोलर है, ये ऐड होगा, स्पाइनल कंट्रोलर है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये रूट कंट्रोलर थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा भाई छोटा लग रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि रूट कंट्रोलर थोड़ा सा यूनिक शो करे, तो रूट कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, और यहाँ पर आप जाओगे कर्व शेप वन और डिस्प्ले इनेबल ओवरराइड। ठीक है, आप यहाँ से इसका कलर को थोड़ा सा अलग कर सकते हो कि ये मेरा रूट कंट्रोलर हो गया, और ये वाला जो कंट्रोलर है इसका नाम दे दो स्पाइन, स्पाइन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये वाला कंट्रोलर मैंने लगाना है, तो इसका नाम देते हैं स्पाइन, स्पाइन 01 कंट्रोलर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओहो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, हिस्ट्री डिलीट करनी, और इसको सेट किया यहाँ पर, इसको ड्रैग कर लिया। ठीक है, ये कंट्रोलर वन हो गया, और यही वाला कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल जी से हम नल ग्रुप क्रिएट करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करके, तो कंट्रोल डी से हम इसका डुप्लीकेट करेंगे, और ये जो डुप्लीकेट ग्रुप है तो सीधा ये मेरा टॉप वाला जो जॉइंट है वहाँ पे स्नैप कर देंगे, और इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, इसको टू कर देंगे, और ये वाला जो है इसको भी हम कर देंगे टू, और कर देंगे सेव, इसको बंद किया, इसको बंद किया। ठीक है, अब आ जाइए ये वाला जो स्पाइन 01 क्लस्टर हैंडल है, इसको मैं रूट के साथ पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो टू वाला है ये इसके साथ पेरेंट हो जाएगा, और जो थ्री वाला है वो इसके साथ पेरेंट हो जाएगा। तो अब मेरे पास एक और ये वाला जो विद ग्रुप सिलेक्ट किया, इसके साथ पेरेंट कर दिया, इसको भी विद ग्रुप सिलेक्ट किया और रूट के साथ मैंने पेरेंट कर दिया, और इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आई के वर्क कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, द आवर आई के इज़ वर्किंग एज इट शुड बी। अब देखिए अब देखो मेरा जो स्पाइन है वो आगे को भी मूव कर रही है, ठीक है, और साइड वे में भी मूव कर रही है, पर एक दिक्कत है कि ये रोटेट नहीं कर रही। ठीक है, जो स्पाइन है वो हमारी रोटेट नहीं कर रही, वो एक स्टैटिक है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। जब बंदा थोड़ा सा मुड़ता है पीछे की तरफ तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी साथ में रिवॉल्व करती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक लोकेटर क्रिएट करेंगे, क्रिएट लोकेटर, और इसका नाम रखेंगे हम स्पाइन ट्विस्ट, स्पाइन ट्विस्ट। ठीक है, स्पाइन ट्विस्ट रख दो इसका नाम, कंट्रोल सी कंट्रोल जी कंट्रोल वी और जी आर पी, ताकि ग्रुप, और ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर आएगा, तो ये जॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, स्नैप किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर ये लोकेटर को सिलेक्ट किया, और ये लोकेटर यहाँ पर आ गया, और ये जो लोकेटर है इसको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, और ये अपने आप फ्रीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्योंकि वही पोजीशन पे वो आ गया।
तो इस तरीके से अब क्या करूँगा कि मैं ये वाला जो मेरा कंट्रोलर है, ठीक है, इसको मैं स्पाइन ट्विस्ट के साथ, ग्रुप के साथ नहीं आपने करना, ये जो अंदर हमने इसके जो लोकेटर लिया है, लोकेटर के साथ हमने को सिलेक्ट करके हमने पेरेंट कंस्ट्रेंट करना है। पेरेंट कंस्ट्रेंट इसलिए करना है कि अगर वो ट्रांसलेट हो तो ये ग्रुप भी हमारा लोकेटर भी ट्रांसलेट हो, अगर हमारा ये जो कर्व है ये रोटेट करे तो वो भी साथ में रोटेट करे और ट्रांसलेट भी करे। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब होता है जैसे इस तरीके से मूवमेंट ऐसे करना, तो ये होती है ट्रांसलेशन वैल्यू, और रोटेशनल वैल्यू होती है चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। अब देखो वो लोकेटर हमारा मूव कर रहा है, पर अभी भी जो हमारी स्पाइन है वो रोटेट नहीं कर रही, वो स्टैटिक है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने लोकेटर क्रिएट किया है ये तो ऑलरेडी ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कनेक्शन एडिटर में जाके, जैसे ये स्पाइन ट्विस्ट लिया, कनेक्शन एडिटर में जाएंगे, कनेक्शन एडिटर में इसको रीलोड लेफ्ट करेंगे, ठीक है, और आई के जो है मेरा ये वाला स्पलाइन आई के, इसको सिलेक्ट करके रीलोड राइट कर दो आप, और रोटेशन वैल्यू जो है, अगर ये जो हमारा लोकेटर है अगर वाई की डायरेक्शन को रोटेट करेगा तो ये फिर इस सप्लाइन में ट्विस्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या हमारी जो जो स्पाइन है क्या वो रोटेट कर रही है। ये देखो अब ये प्रॉपर रोटेट कर रही है, अगर ना आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको देख, ये देखो रोटेट कर रही है, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो स्पाइन का सेटअप है वो क्रिएट हो गया, पर ये वाला जो हमारा आउटलाइनर है इसको थोड़ा सा हम क्लीन अप करेंगे, इसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर हम ये जो रूट ज्वाइंट है इसको हम कंट्रोल जी करेंगे, इसको हम बोलेंगे अनटचेबल इन्फो, अनटचेबल इन्फो, ठीक है, इसको हम बोल देंगे अनटचेबल इन्फो, और ये जो है इसको हम बोल देंगे कंट्रोल जी करके स्पाइन स्टफ, स्पाइन स्टफ, स्पाइन स्टफ, और ये भी अनटचेबल इन्फो में आ जाएगा। और ये वाला जो है स्पाइन ट्विस्ट रोड कंट्रोलर ग्रुप, तो ये भी रोड कंट्रोलर, ये तो अलग से रहेगा, स्पाइन ट्विस्ट ग्रुप को आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, और जो लोकेटर था ये वाला, ये हमने किसमें ऐड किया है, अनटचेबल इन्फो में नहीं जाएगा, ये जाएगा शिफ्ट पी, इसको हम करेंगे के साथ पेरेंट रूट के साथ। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार चेक करते हैं कि हमारा रिग जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, सही है, यहाँ पर इसको देखते हैं स्पाइन भी ट्विस्ट कर रहा है, एक बार चेक कर लो क्या हमारे जो स्पाइन बोन्स हैं उनमें रोटेशनल वैल्यू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारी 0-0 है। तो इस तरीके से हमारा जो ये जो सेटअप है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।